हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, डीट प्लस बी पीआरटी टीजीटी रिजल्ट एंड ईडोजिया 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ब्रेक ब्रेकिंग नोटिस जारी की गई है। आज अभी अभी डीट प्लस बी के तरफ से रिजल्ट कट ऑफ से जुड़ी हुई दो नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से फुल ऑफिशियल अपडेट आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन देख लें, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड के लिए जारी किया गया है, ये देख लें। 17 कैंडिडेट को वर्क किया गया है सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी के लिए, जिनको 10/6/2022 से लेकर 14/6/2022 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए टाइम दिया गया है। ये देख लें कैंडिडेट का रोल नंबर और उन्हीं के सामने उनका रिमार्क दिया कि उनको क्या क्या अपलोड करने हैं। इन सभी 15 कैंडिडेट हैं जिनको सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई है और इनको लिए ईडोजिया लिंक एक्टिवेट की गई है 15 दिनों के लिए। देख लें 10/6/2022 से लेकर 14/6/2022 के बीच में सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए इन 15 कैंडिडेटों को। सेकंड नोटिस देख लें, जो जारी किया गया बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया, फर्स्ट कॉल नोटिस टू टीजीटी संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड के लिए, जिनका पोस्ट कोड 55/21 है। ये देख लें जो कैंडिडेट के लिए जारी कर दिया गया 10/6/2022 के बीच में सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। कैंडिडेटों के रोल नंबर और उन्हीं के सामने उनका रिमार्क जारी कर दिया गया है। ये देख लें सभी कैंडिडेट, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट जारी की गई है इन कैंडिडेटों के लिए टीजीटी संस्कृत के लिए। ये देख लें 79 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 10/6/2022 से लेके 19/6/2022 के बीच में सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। थैंक यू।